ये स्पेशल साग लाया गया है और ये बिल्कुल फ्रेश है और डिफरेंट तरीके से बिल्कुल बनाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो सॉरी गाइस इतनी देर के बाद वीडियो अपलोड की, इसकी वजह यह थी कि काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं ठीक हूँ। तो गाइस पिछली वीडियो में मैं शाहजोर लेक तक 7 घंटे ट्रैकिंग करके पहुँचा था और 1 घंटा उधर गुजारने के बाद तकरीबन 4 बजे मैंने वापसी का सफ़र शुरू किया और मुझे थोड़ी बहुत टेंशन भी थी क्योंकि वापसी पर इतना ही टाइम लगना था और वहाँ रात गुजारने के लिए कोई कैंपिंग साइट, कोई होटल वगैरह का नामो निशान तक नहीं था। और गाइस मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं बचा था और इस खौफनाक जंगल में रात कैसे गुजरती। ज़्यादा हाइट पर जाने की वजह से हेडेक काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को तसल्ली दे रहा था कि मैं ये वापसी का ट्रैक सिर्फ 3 घंटे में कर लूँगा, हालाँकि ये बिल्कुल भी नामुमकिन था। लेकिन गाइस मुझे क्या पता था कि ऊपर वाली ज़ात पत्थर में बंद कीड़े को भी रिस्क अता करती है, तो यकीनन इस जंगल में मेरे रब ने मेरे लिए कोई ना कोई इंतज़ाम कर रखा था, लेकिन मैं इससे बिल्कुल बेखबर था। तो गाइस मैंने वो रात कहाँ और कैसे गुजारी, चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। गाइस 5 बजने वाले हैं और मैंने मोबाइल चार्जिंग पे लगाया हुआ था पावर बैंक के साथ, थोड़ा सा मोबाइल चार्ज हो गया और मेरी ये लाइट चार्ज है, तो इसमें मैंने न्यू सेल डाले हैं। तो रास्ता तो काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ के मुकामी बंदे से मैंने पूछा है, उसने कहा है कि आपको जो है डरने की ज़रूरत नहीं है, ये इलाका सेफ है, यहाँ पर जंगली जानवर नहीं है। बस यार उसने तसल्ली दी है, क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तो अभी जाना ही जाना वापस। ये छोटे भाई, इनका बहुत शुक्रिया, इन्होंने मुझे ये पानी पिलाया। ये तो कह रहे थे चाय रोटी में ये ना उसकी ये। नहीं नहीं मैं निकलूंगा, टाइम निश्ता रोटी हम खो रहे, मैं रुकूंगा किधर। रोटी रोटी तो ठीक है, लेकिन मेरे जगह नहीं है रहने के लिए। टाइम निश्ता, टाइम निश्ता जगह नहीं, जाना दूर। जुमा दिश्ता मस्जिद। हाँ मस्जिद रुक सकता। हाँ कंबल शंबल मिल जाए। हाँ बेगम शु कमल में बेगम हो जाए। आप कमल तो गाइस इस सिचुएशन में ना तो मुझे पश्तो बोलनी आ रही थी और ना उसे उर्दू बोलनी आ रही थी, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी कन्वर्सेशन ऑकवर्ड ज़रूर लग रही होगी। लेकिन गाइस मैं मुकम्मल तौर पर समझ चुका था कि ये बच्चा क्या कहना चाह रहा है और ये क्या कह रहा है। तो गाइस फिर मैंने वहाँ से जाने का सोचा, लेकिन जब मैं थोड़ा सा आगे आया तो मैंने देखा कि वहाँ पर ऑलरेडी कोई टूरिस्ट मौजूद है, सो आई डिसाइडेड कि मैं नाइट स्टे उधर करूँ। तो गाइज आप देखें कि आगे क्या हुआ। रोटी ज़रा हम खाने लगे हैं, मज़ा सी लग रहा है। ये हमारे, अच्छा ये क्या है? ये मलाई है। अच्छा तो ये चोंडा है। चोंडा ये किसका बनता है? वो दूध से। दूध से। और ये रोटी किससे बनाते हैं आप, कौन सी? गंदम की? ये गंदम नहीं, वो ज्वार का रोटी। अच्छा ज्वार का, तो बड़ा जबरदस्त होता है। अच्छा ये स्पेशल साग लाया गया है और ये बिल्कुल फ्रेश है और डिफरेंट तरीके से बिल्कुल बनाया हुआ लग रहा है। नमक
फिर गया पिस्ता लगाऊंगा। अभी मैं कहाँ पर हूँ और किधर पहुँचा हूँ ये चीज़ें मैं आपको सुबह बताऊँगा असल पूरी कहानी। अभी सिर्फ आप ये देखते जाएं कि मैं क्या खा रहा हूँ और क्या पी रहा हूँ। गाइस, मैं इस वक्त गुरशे गांव में मौजूद हूँ और मैं रात को लेट हो गया था और तकरीबन 3 घंटे का सफ़र बाकी रहता था दो चंगा की तरफ। तो मैं एक मस्जिद में स्टे किया है। यहाँ के मुकामी लोगों ने कहा है कि आप मस्जिद में स्टे करें। उन्होंने बिस्तर भी ला के दिया और उन्होंने अपना रवायती जो खाना होता है वो भी ला के दिया। तो रात का जो मैं कह रहा था कि भाई क्या सीन हुआ ये मैं आपको बाद में बताऊँगा, तो सीन यही था। मैं स्पीडो स्पीड जा रहा था कि मैंने कहा यार मैंने वापस पहुँचना ही पहुँचना है, लेकिन प्लान में थोड़ी सी चेंजिंग हो गई है क्योंकि मैं लेट हो गया था। मुझे लग रहा था यार मैं कर लूँगा, लेकिन कम से कम 7 घंटे मुझे हाइकिंग में लगे उस शहजोर लेक तक पहुँचने के लिए। लेकिन फिर भी मैंने जो है ना कोशिश की वापस जाने की, लेकिन रात हो जाती उसका भी इंतज़ाम था। लेकिन फिर मुझे यहाँ पर एक टूरिस्ट मिले, हिच हाइकर। उन्होंने मुझे कहा कि यार आप जो है ना जाएं, आप यहीं पे स्टे कर लें। हालांकि वो एक छोटे खान ने कहा था कि आप जो है इधर स्टे कर लें मस्जिद में, मैं बिस्तर भी दूंगा सारा कुछ दूंगा। तो लेकिन ये है कि जब मैं इधर देखा ऑलरेडी एक टूरिस्ट मौजूद है, तो फिर मैंने भी फैसला किया चल यार मैं भी इधर ही रुक जाता हूँ। इतनी लाइट तो नहीं होगी, लेकिन यह कि आपको मस्जिद में अंदर से भी दिखाता हूँ फिर बाहर से भी दिखाता हूँ। ये हैं जी मायानाज हिच हाइकर। ठीक है, तो जब ये मुझे मिल, इन्हीं का मैं कह रहा था, जब ये मुझे मिल गए तो फिर मैंने कहा यार मैं भी इधर ही जो है ना स्टे कर लेता हूँ। तो यार ये इनकी मस्जिद है, खिड़की पूरी मुकम्मल ये पत्थरों की और लकड़ी की बनी हुई है। तो गाइस ये वो बिस्तर है जिस पर आपके भाई ने स्टे किया है, और ये हमारे हिच हाइकर यहाँ पे थे, और ये इनकी अंगीठी, अंगीठी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? बिल्कुल अंगीठी टाइप। यार इसने जो हमारा काम किया ना हमें एनर्जी का, तो वो कमाल है। अगर ये ना होती तो मेरे जैसे बंदे का क्या बनना था, ये मैं सोच रहा हूँ। व्यू तो माशाल्लाह, इसी व्यू के पैसे हैं, इस व्यू के लिए तो आए हैं। तो गाइस मैं आपको इनके वजू की जगह भी दिखाता हूँ। अच्छा, ये इन्होंने लकड़ियाँ रखी हुई होती हैं जो ये लकड़ियाँ जलाते हैं। ये इन्होंने ये मस्जिद के बाहर का सहन टाइप बनाया हुआ है, और इससे आगे आप आ जाएं तो गाइस इनके वजू की जगह जो है वो बहुत मज़े की है। ये देखें यहाँ से पानी आ रहा है, और ये वुजू की जगह है, देखें गाइस। ठीक है, ये वुजू की जगह है, और ये समझ लें जस्ट लाइक अ नलका। ठीक है, और ये जनाब मस्जिद है, और वो देखें सामने पहाड़ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है गाइस। मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुमराट का दरिया बह रहा है। ये मस्जिद है, और ये लोगों के कुछ घर बने हुए हैं। जी गाइस, बस इतनी सी कहानी थी, और अब मैं नाश्ता करके वापस जाऊंगा दो जंगा। वहाँ से फिर मैं अपनी बाइक लूँगा, और बाइक लेने के बाद अगली बात फिर बाद में होगी।
तो यार ये देखें, इस वक्त नाश्ता करने लगे हैं, गर्मा गर्म चाय। ये जवार की रोटी ना? नहीं 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 नहीं, ये गंदम का रोटी है। ये गंदम का है? तो कल कौन सा था? ज्वार का रोटी। कल जवार का, आज गंदम का, और ये मलाई साथ में। मलाई। तो भाई हम नाश्ता करके फिर मैं निकलूँगा दो जंगा। ठीक है जी, बैग पैक कर लिया मैंने अभी, छोटा बैग जो था, और अब मैं वापस जाने लगा हूँ। तो ये हजरत पखे भाई हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने इतनी मेहमान नवाजी की। ठीक है, और ये छोटू भाई हबीबुल्ला, इसने भी बहुत मेहमान नवाजी की। और ये हमारे हिच हाइकर भाई, अल्लाह करे कि ये ब्रोवल पहुंच जाएं। वकास भाई, ये आपके लिए, आपको बता रहा हूँ, जीपों पे आप गए हैं, ये हाइकिंग करके जाएंगे। ठीक है, और वो भी हिच हाइकिंग फ्री वाली। चलो यार, गुड लक, आराम से पहुंचे। बस थैंक यू वेरी मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। जी गाइस, वापसी का सफ़र स्टार्ट हो चुका है, और यार यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा मेहमान नवाज हैं। अगर उनको सिर्फ पता चल जाएगा, उनका बच्चा बच्चा भी जो है वो आपकी मेहमान नवाजी में पेश पेश होगा। मतलब ये कि यार, इन लोगों को शुरू में ही ये सिखाया जाता है कि कोई मेहमान आए तो उसकी इज्जत करनी है, उसका ख्याल रखना है। और एक रजाई थी तो उन्हें पता चल गया कि यार ये बंदा तो जो है ना इतना बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, वो दो रज़ाइयाँ ले आए, एक नीचे दे दी, दो ऊपर रज़ाइयाँ दे के फिर इन्होंने मुझे कहा कि अब आप जाए। तो गाइस, इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, और अभी मैं दुजंगा पहुँच के फिर आपसे बात करता हूँ। ये हमारे ज़ाहिर शाह साहब हैं, इनके रेफरेंस से हम जो है बाइक उधर भी खड़ी की थी, और अभी ये प्लग लगा रहे हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि ये दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। चलें, कोशिश करता हूँ दोबारा स्टार्ट करने की। वाह खान साहब, छा गया आप कसम से। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। चलो हो गया, अभी 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 बस अभी मैं निकलता हूँ, अभी मैं निकलता हूँ बाइक। चंगा से अपना सफ़र दोबारा शुरू किया है, वापस आ रहा हूँ काला चश्मा की तरफ। तो गाइस मेरे साथ रहिएगा, लेकिन मैं आप लोगों को यही कहूँगा, अगर आप बहुत ज़्यादा एडवेंचर को पसंद करते हैं, कोई एडवेंचर करना चाहते हैं, तभी आप ये वाला काम करें। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मली बस घूमना चाहते हैं, तो आप सिर्फ कुमराट में जहाज़ बांडा की तरफ जा सकते हैं, टिकी टॉप जा सकते हैं, काला चश्मा जा सकते हैं। इससे आगे का सफ़र बहुत डिफ़िकल्ट है। नो डाउट लोग तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये आगे अगर आप कोई कैंटीन या कोई फूड या कुछ खाने की चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं तो वो नहीं है। लेकिन ये है कि लोग बहुत मेहमान नवाज हैं, वो आपकी मेहमान नवाजी करेंगे, और मेरे ख्याल में इनके पास डेली मेहमान आते होंगे। ठीक है, कोई ना कोई मेरी तरह का बंदा आता होगा,